सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। सावन के महीने में श्रीहरि की पूजा करने से व उनका व्रत करने से बाष्पी यज्ञ का फल मिलता है तथा कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे पापों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्त की सर्व कामना पूर्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इस तिथि का समापन कब हो रहा है तथा पारण का समय कब है। 2023 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जुलाई की शाम में 5:59 पर हो रहा है तथा कामिका एकादशी तिथि का समापन जो हो रहा है वो 13 जुलाई की शाम में 6:24 पर हो रहा है। इस तरह से उदया तिथि के आधार पे और एकादशी द्वादशी तिथि मिलन के आधार पे सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी व्रत है वो 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण मुहूर्त 14 जुलाई की सुबह में 5:32 से लेकर सुबह 8:18 तक है। कामिका एकादशी व्रत का प्रभाव हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो फल गंगा में स्नान करने से, काशी में स्नान करने से, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वही फल हमें सावन के महीने में कामिका एकादशी व्रत करने से और श्रीहरि के पूजन से मिलता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सावन में जो व्यक्ति श्रीहरि की पूजा करता है उससे सारे देवता पूजित हो जाते हैं, सारे गंधर्व पूजित हो जाते हैं, चंद्र और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। कामिका एकादशी का जो भक्त व्रत करता है और श्रीहरि का पूजन करता है वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण किसी कुयोनि में अर्थात खराब योनि में नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी पे हम किस विधि से श्रीहरि की पूजा करें कि वो हम पे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस दिन भक्त को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। अर्घ देने के पश्चात श्रीहरि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद होता है। इस मिश्रण से हमें श्रीहरि के विग्रह को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात उन्हें शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा के साफ करके उन्हें वस्त्र धारण कराना चाहिए। वस्त्र धारण कराने के पश्चात उन्हें जनेऊ अर्पित करना चाहिए। जनेऊ अर्पित करके उन्हें इत्र लगाना चाहिए। इत्र के बाद उन्हें गोपी चंदन लगाना चाहिए क्योंकि गोपी चंदन लगाने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन गोपी चंदन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा कोई भी चंदन उनको लगा सकती हैं। इसके पश्चात उन्हें सुगंधित फूल अर्पित करें और श्रीहरि को इस दिन भोग में माखन मिश्री तुलसी दल के साथ अवश्य लगाएं। इससे श्रीहरि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे भोग लगा सकते हैं लेकिन ये भोग उन्हें अवश्य लगाएं। इसके पश्चात उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के पश्चात उनसे क्षमा याचना अवश्य करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से श्रीहरि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवद गीता का पाठ करने से, भागवतम का पाठ करने से श्रीहरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस दिन हमें जो भी हमारा प्रिय मंत्र है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रीहरि के पूजन के साथ साथ हमें तुलसी माता के पूजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन हमें तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना है लेकिन तुलसी माता को सुबह और शाम दीपदान अवश्य करना है, उनकी परिक्रमा अवश्य करनी है और उन्हें भोग अवश्य अर्पित करना है। इस दिन तुलसी माता की पूजन करने से ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 4 भर चांदी और 1 भर स्वर्ण दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है उस दिन तुलसी माता की पूजन से हमें प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी माता की पूजन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी भक्त के घर में कामिका एकादशी की रात्रि में पूरी रात्रि अगर दीपक जलता है तो उसका इतना ज़्यादा फल है कि चित्रगुप्त जी जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा रखते हैं वो भी इसका फल बताने में असमर्थ हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कामिका एकादशी व्रत के दिन अगर रात्रि में किसी के घर में दीपदान करता है, वो पूरी रात दीपक जलता रहता है तो उसके जो पितृ होते हैं वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और वहाँ पर अमृत पान करते हैं। तो दीपदान का कामिका एकादशी की पूरी रात्रि में जो दीपक जलता रहता है दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कामिका एकादशी व्रत के दिन भर श्रीहरि के नाम का स्मरण करें, उनका जाप करें, उनका ध्यान करें क्योंकि कामिका एकादशी व्रत का फल अनंत गुना है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी मैया की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। और अंत में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।